नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व ट्रिक यूज करने वाले हैं। चुटकियों में आप उस ट्रिक को अपनाने के बाद सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे। अगर मैं सब्जेक्टिव मेथड की बात करूं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, तो आप पहले इसको सोल्व करते थे, सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, वन अपॉन है तो उसको रेसिप्रोकल करके सोल्व करते थे, और उसके बाद फिर उस फ्रैक्शन को इस थ्री में ऐड करते थे, वापस से एलसीएम लेके सोल्व करते थे और उसका फिर से रेसिप्रोकल करते थे, ठीक है। लेकिन ये लेंथी प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। आपको सॉल्व ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे देखोगे आप, ये जो लास्ट फ्रैक्शन है 3 और 5, न्यूमरेटर में 3 है, डेनोमिनेटर में 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये दो प्लेस लिखने, पहले तो एक तो हो गया 3, एक हो गया 5, चाहो तो आप कोमा लगा सकते हो इनके बीच में, ठीक है। और अगर मैं इंटीजर की बात करूं, जो पूर्णांक राशि है उनकी बात करूं, तो वो 2 नंबर है, ठीक है। इंटीजर यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो 2 प्लेस और आएंगे, तो यहाँ पे डैश करके छोड़ दो अभी, ठीक है। अब इनको आपको फिलअप करना है, तो उसको फिलअप करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 है ना, ये जो सेकंड प्लेस लिखा है 5, इसके ऊपर आपको एज ए कैरी 4 लिखना है, लिख दिया, ठीक है। और ये वाला 4 और ये वाला 3, ये तो लिखे जाएंगे, 4 तो यहां पे लिखा, अगले डिजिट पे 3 को लिखा जाएगा, तो यहां पे मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। आगे कुछ इसमें प्लस में है नहीं, तो यहां पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करो, अब क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा है इसको इसके साथ तो मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसमें इसको ऐड करना है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसमें 3 को ऐड करना है, तो 5 × 4 = 20 और प्लस 3 कितना हो गया 23, तो यहां पे हम लिखेंगे 23। अब इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है, 23 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 23 × 3 = 69, जो आंसर आया उसमें इस नीचे वाले को ऐड करना है, 5 को ऐड करना है, कितना आ जाएगा 74, तो यहां पे आएगा 74, ओके। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 23/74, इसका आंसर क्या आएगा 23/74, ये इसका आंसर होगा। अगर यहां पे माइनस हो तो कैसे करें, तो उसके लिए भी देखो लगभग कुछ प्रोसेस सेम है, प्लस की जगह माइनस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस में 3, सेकंड प्लेस में 5, ओके। और यहां पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो 2 प्लेस और आएंगे, 1 और 1 2, ठीक है। अब क्या करना है, वही कैरी फॉर्मेट में लिखोगे, ये जो सेकंड डिजिट है इसके नीचे, इसके ऊपर तो ये आएगा और अगले पे ये आएगा, तो 5 के ऊपर तो आएगा 4 ये वाला, और अगले पे 3 आएगा, तो अगले वाले के ऊपर आएगा 3, ठीक है। यहां पे कुछ है नहीं, तो ये खाली रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 4 = 20, यहां पे प्लस था इसलिए हम इसको प्लस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहां पे माइनस आ रहा है, तो हम इस 3 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 17, तो यहां पे 17 लिखा मैंने, ओके। अब वापस से वही प्रोसेस रिपीट करना है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 51, और इसको फिर माइनस करेंगे, यहां पे माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस 5, तो कितना आएगा 46, तो यहां पे लिखा मैंने 46, तो आंसर क्या आ गया इसका 17/46, 17/46, ये इसका आंसर होगा। ये तो छोटी फ्रैक्शन थी, छोटा क्वेश्चन था। अब अगर मैं एक स्टेप और बढ़ा दूं इसी टाइप के क्वेश्चंस को, तो उनको भी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने इसको लेंथी कर दिया एक स्टेप बढ़ा के, और एक चेंजमेंट और कर रहा हूं मैं। अगर मान लो इस फ्रैक्शन के साथ मैंने यहां पे लिख दिया 2+, तो कैसे सोल्व करेंगे, आ सकता है 2+, ठीक है। और यहां पे मान लो मैंने कर दिया 2- वाला है, तो ये लो माइनस कर दिया मैंने, तो कैसे सोल्व किया जाएगा, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। करने का प्रोसेस वही होगा हमारा, सबसे पहले तो इन दोनों को फिक्स करेंगे, पहले 2 को फिर 5 को, तो यहां पे लिखा मैंने 2 और सेकंड प्लेस पे लिखा 5, अब बाकी कितने प्लेस आएंगे 1, 2, 3, 4, ये जो इंटीजर आप देख रहे हो ना ये वाले आएंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 प्लेस लिखो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ये देखो यहां पे 5 लिख चुके हैं ना, उसके ऊपर 4 को लिखो, तो 5 के ऊपर लिखा मैंने 4, ठीक है। अगले जो प्लेस है उसमें ऊपर लिखा जाएगा 1, तो अगले में यहां पे लिखा मैंने 1, ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद 2, तो यहां पे 2 लिखा गया, ओके। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 × 4 = 20, 20 में ये ऐड कर दो, 5 × 4 = 20, 20+2 = 22, तो यहां पे क्या लिखेंगे 22। अब उसी प्रोसेस को रिपीट करो,
22 को इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उसमें इसको ऐड कर दो। तो 22 × 1 = 22 + 5 = 27। 27 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 81। 81 में 22 ऐड कर दो, 81 22 3 10 103। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, 103 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 206। 206 में 27 ऐड करो, 233। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो आंसर में लिखेंगे हम 103/233, 103/233, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और अगर माइनस वाला क्वेश्चन हुआ तो उसमें वही प्रोसेस, सबसे पहले इन दोनों को फिक्स करो, 2 को फिक्स किया, 5 को फिक्स किया, इंटीजर कितने, 1 2 3 4, तो 4 प्लेस और आएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब क्या करना है, इसके ऊपर ये वाला लिखा जाएगा, तो 5 के ऊपर 4 लिखा, अगले पे 1 लिखा जाएगा, अगले पे 3 लिखा जाएगा, उससे अगले पे ये 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20, यहां पे माइनस है तो उस आंसर में से इसको माइनस कर देंगे, 5 4 20 20 - 2 18, 18 1 18 18 - 5 13। ठीक है, 13 3 39 39, उसमें से माइनस करना आपको 18, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2, तो 21, 21 × 2 = 42, 42 में माइनस कर दो 13, तो ये आएगा 9 और ये 3 - 1 = 2 = 29, तो आंसर क्या बनेगा, 21/29, 21/29, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से, अच्छा 29 है, नहीं हो रहा, मेरे को 27 लगा, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, 21/29 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक शानदार लगी होगी, अच्छी लगी होगी, इस पर बेस्ड आप इसी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ध्यान देना, ये जो ट्रिक है ये तब भी अप्लाई कर सकते हो जब यहाँ पे ऊपर 1 आ रहा है, लास्ट फ्रैक्शन में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे बाकी फ्रैक्शन में 1 होना चाहिए। ठीक है,